फ्टरनून गुड मॉर्निंग प्रवेद रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है और आपसे दुर्हास करता है कि अगर अभी तक आपने डी जी ए के ट्वेंटी ट्वेंटी को आपने सब्सक्राइब जो मेरी वीडियो है मेरा वी लॉग है ये आपको यूट्यूब जो है वो फौरन भेज देती है ताकि आपको फौरन वो मालूम मिल जाती हैं जो हम लोगों तक आवाम तक पूरी दुनिया तक जो आवाज पहुंचाना चाहते हैं आज बड़ी बायस शर्म बात है एक उन मुसलमानों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर बसते हैं अभी आपको याद होगा दस तरीक को यानी दस जुलाई को ईद अलजहा तो ये तो एक बहुत जबरदस्त है ईद अलजहा आइन ने उस कानून ने इंसानों के जज्बात को उनके मजहबी जज्बात को किस तरह मजरू कर दिया है अब ये अगर सुनते इब्राहिमी है तो ये कोई भी सुनते इब्राहिमी अदा कर सकता है यार कोई शख्स भी जो मुसलमान नहीं भी है जो बाप इब्राहिम के कोई कवानीन को मानता है जो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता है लेकिन वो तो यहूदियों की है अब ये बात दरा मेरे जेहन में रख सोचें आज मैं आपको बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं और ये भी बताने जा रहा हूं क्या इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती मेरा मसला नहीं है मेरा मसला है इसलिए कि मेरा तलक भी दो सौ पचानवे ए दो सौ पचानवे बी दो सौ पचानवे सी और दो सौ अठानवे दो सौ अठानवे ए दो सौ बी और दो सौ सी अब ये यह यहाँ इतनी मजका खेज आपको मैं बता बात बताने जा रहा हूँ मेरा यार दिल मेरे जज्बात बाहर आ रहे हैं यार ये क्या ये इंसान है ये कौन सा माशरा है ये किस माशरे के पाकिस्तान जिसे जिस माशरे को कह रहे हैं वो कौन सा माशरा है जिसकी ये बात कर रहे हैं जहाँ चौबीस घंटे तम होता है इंसानों के ऊपर जहाँ खून बहाया जाता है यहाँ इंसाफ कहां सोई हुई है ये देखें मैं आपको बता रहा हूं कि ये एफआईआर दर्ज की गई है फैसलाबाद के ठिकरी वाला पुलिस स्टेशन में ये मेरा आपको जो कैमरा मैन है मैं न, वो दिखाएगा ये। ये दिखा ठिकरीवाला फैसलाबाद में और ये हुई है जी 10 जुलाई 2022 को अभी लास्ट संडे को अभी संडे नहीं आया अब मेरी बात आप जेन में करें यह बात अभी एक वीक अभी चंद दिन हुए हैं आज थर्सडे है जब ये मैं वीलॉग कर रहा हूं अब इस्लाम का तो हिस्सा वो सुनते इब्राहिमी वो कहते हैं जी वो है तो वो तो फिर यहूदियों का भी है क्रिश्चनों का भी है सुनते इब्राहिमी पे अमल करना अब वो कोई करे ना करे उसकी मर्जी है ना ये तो ये क्या क्या कोई खरीद ली गई है चीज कोई ये बाउंड कर दिया गया कोई चीज़ अब ये जो हुई है दर्ज ये का मैं आपको बताता हूं कि मैं ठिकरी वाला एच, आपको हर चीज़ बताता हूँ ई टैग नंबर बताता हूं उसका एफ आई आर का जो दर्ज होती है सबूत के साथ करते हैं ना बात ऐसे नहीं बात करते भाई और ये देखें इसका जो ई टैग नंबर है वो टीके डब्ल्यू सिक्स टू एट ठीक वाला फैसलाबाद और नंबर जो इसका सीरियल चलता है जी वो है एट फोर टू स्लैश टू टू थाना ठिकरी वाला अब यह बात जेन में रखें और ये एक इतना जाहिल आदमी कोई पता नहीं इसका दिमाग क्या हुआ है ये माजद नामी एक शख्स है माजद जवेद वल्द मोहम्मद जवेद और पता है इसका चक नंबर 89 नाइन जी जीम बे रतन ज़िला फैसलाबाद यानी जीम बे को गेरा ब्रांच जो है ना जी उसके है और उसका शनाती कार्ड भी ना यहाँ नंबर लिखा हुआ है कितनी शर्म की बात है यार तुमको माजद तुमको इंसान हो तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है ख़त्म है किस मज़हब को मानते हो तुम्हें माफ़ी नाम की तीन चीज़ तुम्हारे नाम है नहीं ये किस तरह की आप ये शिदत पसंदी कर रहे हो अब जब अगर कोई बंदा कुर्बानी कर रहा है सुनते इब्राहिमी सुनते इस्लाम नहीं वो को मसवाक नहीं कर रहा नहीं उसने की तो आप कहते यार ये भी तो सुनते इस्लामी है ना कोई मसवाक कर रहा है कोई दांत साफ कर रहा है वो भी नहीं अब करने दो आप किसी को लेकिन वो तो ना करने दो जिस सुनते इब्राहिमी उससे आपकी रोक रहे हैं किसी को लेकिन ये पाकिस्तान है ये कानून जो अंधा होता है ना ये अंधा है ये क्या हो रहा है ये है जी आगे बजरम टू नाइन एट सी पी पी सी पाकिस्तान पाकिस्तान पेनल कोड टू नाइन एट सी एटीन सिक्सटी यानी कि जो ये एक्ट है ना बजरिया जिसे कहते हैं वो अठारह सौ साठ का ही है और ये जनाब बीट नंबर जो है वो सिक्स और आगे लिखा है जिन्होंने वन सेवन नाइन एल और जनाब ये हसब आमद तहरीर और जो वो शख्स है और ये जो हेड कांस्टेबल साहब है उनका नाम है जवार अली साहब उन्होंने ये एफआईआर दर्ज किया है मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा बखिदमत जनाब एस एच ओ साहब थाना ठिकरी वाला फैसलाबाद दुर्खास्त ब्राए अंदराज मुकदमा बर क्या लिखा है जी बंदे का नाम शकील अहमद तो क्या शकील अहमद को कोई बंदा कादियानी नहीं समझ ले किसका नाम शकील अहमद है बेशुमार लोगों के सुन्नियों के वाबियों के ये जो दीस हैं और बरेलवियों के कितनों के नाम शकील अहमद हैं नेक्स्ट शकील अहमद बल्द शफीक सेकंड सईद अहमद अब देखें यार सईद अहमद बल्द असमतुल्लह अब अल्लाह तो वो अब ये आपका जो अल्लाह है वही है ना असमतुल्ल ही है ना अल्लाह ही है ना बस उसके बाद इमरान बल्द सलीम आतफ बल्द ग़ुलाम रसूल अब ये अंदाज़ा करें जिस जो बंदे का नाम ही गुलाम रसूल है यानी कि रसूल का गुलाम है गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम अब वो बंदा ही गुलाम है रसूल का उसके ऊपर उसके ऊपर क्या दर्ज करा रहे हैं टू नाइन एट सी मैं बताऊँगा आपकी इसकी सजा क्या और ये कैसे बनती है यह और फिर हैं जनाब मुख्तार बल्द रहमत अकवााम उन्होंने कौम भी नहीं लिखा कि इनके कौन नहीं अवाम है ये इनकी कितनी कौम है अरई सकना एटी नाइन जीम बे गुगेरा ब्रांच जनाब अली गुजारिश है कि साइल चक नंबर एटी नाइन जीम बे कर हैशी है पेशा ज़िम्मेदारा है अमरोज़ दस सात बाई बरोज़ इतवार दस हज बबकत करीबन साथ पौने सात बजे छः बजकर पैंतालीस मिनट पर सुबह का वकूा है कि साहिल माँ यानी कि किसी के साथ वो मोहम्मद आमर वल्द मोहम्मद सलाहुद्दीन कौम राजपूत और नंबर दो ईशान फ़रूक वल्द मोहम्मद फ़रूक कौम अराई सकनाए चक नंबर एटी नाइन जीम बे बाद अदायगी नमाज ईद अजहा या नमाज़ पढ़ के आ रहे थो तो क्या कर रहे हो हरकतें ईद जामिया मस्जिद अता मोहम्मद हाता मस्जिद में मौजूद थे यानी कि वो महानमाज पढ़ रहे थे मौजूद थे तो क्या होता है जी उनको वहाँ हमें बाबसूख जराए से पता चलता है वो ज़राए नहीं बताते अब ये देखें इनकी मुनाफकत तो दर्ज करने वाले की जिसने दर्ज की है एफ आई आर भी और करवाने वाले की भी कि मैं किसी जराए ने कि तुम जर्नलिस्ट हो तुम्हें बाबसूख जराए से पता चला है मुबैना तौर पर ये हो गया है क्या जी बासूख जराए से पता चला कि दह हज़ा यानी कि दह दहात को कहते हैं विलेज को के हज़ा बासी यानी उन्होंने बासी लिखा उसको यानी रहशी वहाँ का जो रहशी है तो वो कादयानी जो कि कादयानी है मंदरजा बाला अपने घरों में कहाँ कर रहे हैं जी घरों में कुर्बानी कर रहे हैं घरों में अब ये बात जेन में रखें उन्होंने रोड के ऊपर नहीं की ये टगा बच्छा गला कटिया तो गलियाँ बाजारा च नहीं भज रहा वो बेचारे अपने घर चाहे ने अंदर ताले मार के अब सोचें ये बात और कौन सी दहेगी कर रहे हैं सुनते इब्राहिमी ये सुनते इब्राहिमी की दहगी कर रहे हैं वो कुर्बानी का कुर्बानी कर रहे हैं जी वो कुर्बानी कर रहे हैं चुनाचा इसी तला पर मैं माँ गवाहान दर्ज बाला अल्ज़ाम अलियान अलेहान के महलका गरों की मावनत से अंदाज़ा करो छतों पर चढ़ गया जी छतों के ऊपर चढ़ गया ये शख्स माजिद साथियों के साथ तुझे किसने कहा कि किसी के छत पे चढ़ जाए ये कानून में है कहीं किसी के घर में झांकना ये तेरे ऊपर कोई कानून नहीं लगता इंसान के बच्चे हो तुम तो तुम्हें तो इंसान कहने कहते हुए शर्म आती कि छतों के ऊपर चढ़ के गया तो उनके देखने छतों ऊपर चढ़कर देखा तो एक तो मसमियान शकील वगैरह सीढ़ी के साथ बकरा लट लटका कर जिबा कर रहे हैं अब वो ये सीढ़ियों लगा कर देख रहे हैं कि जी वो बकरा जिबा कर रहे हैं क्या पता वो कौन सी वो वैसे ही कर रहे हो खुशी में अपने पकाने के लिए कर रहे हो गुजर कर ये कहाँ तक आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो कहाँ तक आप, आप इसको समझ रहे हो कि आपने ये अच्छा किया है किसी के घर में जाके जाँग रहे हो ये तुम पे कोई जुर्म नहीं लगता जितने भी ऐसे लोग हैं उन पर कोई जुर्म नहीं लग वो अपने घर में कर रहे हैं ना बाजार में कर रहे हैं कि भाई किसी के जज्बात मजरूह हो है मैं इसकी बताता हूँ आगे जाके इसकी तशरी ये दो सौ अट्ठानबे सी जो है कि वो क्या है तो अभी ये देखे वो उनके जाके वो देखो बकरा लटका कर ज़िबा कर रहे हैं कि जी अब आप कैसे आपको क्या पता जिबा कर रहे हैं जिबा आप कैसे कहते वो छुरी फिर रहे हैं अब वहां कलमा पढ़ने वालों को भी आप सजा देते हैं जो ना पढ़े उसको भी मार देते हैं जो पढ़े उसको भी मार देते हैं कौन से वैशी लोग हो तुम ज़िबा कर रहे हैं जबकि एक दूसरे हाथे में फिर वो एक से दूसरे हाथे में गए हैं जाकर मसमियान अमरान वग़ैरह ज़मीन पर पल्ली बिछा कर वो जो एक पल्ली होती है जो पंजाबी सारे समझते हैं उस पल्ली को बड़े जानवर कुर, जानवर का कुर्बानी का गोश्त बना रहे हैं मंज़र बाला देख कर आप उधर को पहुंचे हो उनके घर में जो अमरान वग़ैरह ज़मीन पर आप उधर भी चले गए हो उनको देखने के लिए किसी के घर में झांकना ये इस पर कोई आयन नहीं बैठे हो वो और तुम सब कुछ उतार के बैठे हो और तुम्हें कोई आके देखे तुम्हारी बीवी को और तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हें वो तो फिर भी कुर्बानी का गोश्त कर रहा था सोचो कहा तुझसे कोई तलक नहीं ना तुझसे उसने पैसे लिए और ना उसने पता नहीं तुम्हें देना भी था कि नहीं देना अब जिसको मर्जी दे वो किसी की मदद ही कर रहा था ना अब देखिए जी गोश्त कुर्बानी का गोश्त बना रहे हैं मंजरबाला देकर मज, मजकूरान के इस फेल से साहल व दीगर मुसलमान कौन से दीगर मुसलमान जिन्होंने देखा जिन्होंने गैर तुझे किसने कहा देख जाके किसी ने कहा जाके देख के वो कुर्बानी कर रहे हैं या कुर्बानी आपको क्या पता वो क्या कर रहे हैं कौन सा कलमा पढ़ रहे हैं कौन सा नहीं पढ़ रहा है तो तेरा इसे क्या गर्ज है कि तुम किसी के घर में जाके देख रहा है तू अगर उन्होंने रोड में भी किया होता हम मानते यार चलो यार वो रोड पे कर रहे थे शर्म करो कोई इंसान के बच्चे नहीं बनते तुम लोग ठेस पहुंची सलामी जज्बात को ठेस पहुंची भाई तुझे किसने कहा आगे देख तू तुझे उसने कहा क्या देख मैं कुर्बानी करने लगा तुझे दावत दी है या तुझे उसने गोश्त देना था कोई और व दीकरान हमराइया ने इस वकूवा में जानकर इसने वीडियो बनाई है इसको कोई नहीं पूछ रहा ये है इस्लाम की खिदमत ये है इस्लाम कहाँ है कानून यहाँ कानून से जाता है लंबी तान के या सिर्फ फिर सही कहते हैं ना कानून अंधा होता है अंधा नहीं तो और क्या है वकुआ की फ़ुटेज वीडियो फुटेज बनाई जो कि मैं बतौर सबूत पेश कर सकता हूँ यानी पेश कर सकता कहाँ पे चूंकि दर्ज बालाजाम अली हान ब्राए आयन दस्तूर पाकिस्तान नाइनटीन सेवनटी थ्री काफर करार दिए जा चुके हैं कि मुनकर होकर वो इसमें क्या है वो तो सुनते ब्राहिम ही कर रहे हैं ये सोचना आज ये साथ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं उन तमाम मुसलमानों को जो शिद्दत पसंद है जो दो सौ पचानवे सी के उसके पीछे छुप कर गरीब लोगों को कमज़ोर लोगों को मिनार्टीज़ को क्रिश्चनों को हिंदुओं को अहदियों को जो मार रहे हैं एक मनसुख बड़ी बड़ी एक प्लानिंग के साथ वो एक बहुत बड़ी साजिश हो रही इन बेचारों के साथ तो ये जो और मैं बात करूंगा फिर आगे जाके किसी दिन मुझे अगर वक्त मिला तो मैं बताऊंगा आपको तो ये जो है जी मुसलमान जाहिर करके अकीदा खत्म नबूवत के मुनकर होकर कादियानी होते हुए मुसलमान मिलत के किदा के मुताबिक जहरी हरक़त कर ज़ाहरी हरक़त वो तो कुर्बानी कर रहा है अभी इसमें ही हरक़त कहाँ से आ गई कोई नकल कर रहा था उसके हाथ में कोई नकली बकरा था कि जी वो बकरा नहीं था लेकिन उसकी वो खाल वगैरह थी और उसके ऊपर वो छुरी चला रहा था जी और वो तो उसने रंग हाथ में पकड़ा हुआ था वो हमारे मजाक उड़ा रहा था और वो गली में उड़ा रहा था अपने घर में था भाई और मजाक नहीं उड़ा रहा था रियल में गुरबान वो कर रहा था जिबा उसको वैसे ही कर रहा हो आपको क्या पता अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं उसने कु कुछ बांटा ही नहीं आपके घर तो लेकर गया ही नहीं वो जहरी हरकत करके काबले तजीर जुर्म का इरतकब किया है जिसकी वजह से अहिल इस्लाम के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है दावेदार हूँ कि इल्ज़ाम अलेहान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर दादरस्सी की जाए और जनाब ये हैं जिन्होंने दरख्वास दी है वो जवेद वल्द माजद जवेद वल्द मोहम्मद जवेद कौम राजपूत सकना चक नंबर जैसे मैंने बताया एटी नाइन और ये दस्तखत उन्होंने जनाब अंग्रेज़ी में फरमाया है है दरा एक जाहिल आलम और वो साइन अंग्रेज़ी में कर करा वो कर अरबी में करता साइन फिर और पुलिस इस वक्त ए एस आई हम मुलजमा पुलिस ज़ाहर शरीफ उनका नंबर लिखा आ गया जी कुतबली और बसिलसिला गश्त बाँसवारी सरकारी गाड़ी ठिकरी वाला मौजूद हूँ कि दरहाज़ा दस्त नायब महर्रर मसूल हुई है मलाजा दरहास किया गया है सर दस्त मजमून दरहास से सूरत जुर्म दो सौ अठानवे सी टू नाइन एट सी ये इन पर उन्होंने जुर्म लगाया है अब मैं आपको इसके बताने लगा हूं कि ये जो टू नाइन एट सी है ये है क्या ये है जी टू नाइन एट सी पी पी सी एटीन सिक्सटी यानी कि आर्टिकल है जो है ना टू नाइन एट सी और ये नाइन एटीन सिक्सटी का अठारह सौ साठ के आय के मुताबिक है पी पी सी के मुताबिक ये जो आपको बता रहा हूँ मैं कादयानी ग्रुप वगैरह का कोई शख्स जो खुद को मुसलमान कहे या अपने मजहब की तबलीग या तशहीर करे उसने ना तो अपने आप को मुसलमान कहा ना उसने कोई तशहीर की ना ही उसने कोई तबलीग की तो अपने घर में बकरे के ऊपर छुरी चला रहा है ठीक है आगे है जी कादानी या लाहौरी ग्रुप का कोई शख्स जो खुद को अहमदी या किसी दूसरे नाम से मनसूब करते हैं यानी मरजई कादयानी एम दी लाहौरी ये जो उन्होंने इनको नामज़द किया है या किसी दूसरे नाम से मसूम करते हैं जो बिला वास्ता या बिल वास्ता बिल वास्ता या बिला वास्ता खुद को मुसलमान उन्होंने तो किसी को मुसलमान जहर किया ही नहीं वो अदा अपने घरों में है भाई, अब आपको उनके नाम गुलाम रसूल है उस बंदे का उसके बाप का नाम है आतफ वल्द गुलाम रसूल तुम तो रसूल के गुलाम है भाई तुमको फिर मार दो कि तो तुम तो झूठे नाम तुमने रखे हुए हैं किसी एक को करो ना कतल जो तुम कर रहे हो मनसबे जाओ फिर जब अपनी जिंदगी चढ़ो फांसी पे ये तुम्हारा अकल यह तुम्हारी दिमाग है खुद को मुसलमान जाहिर करे या अपने मज़हब को इस्लाम के तौर पर मसूम करे या मनसूब करे या अल्फाज के जरिए यानी कि वो यार उसने किया कि आपने सुना है कि उसने ऊपर उसके बकरे के ऊपर उसने कोई कलमा पड़ा है आपने सुना ही नहीं आप तो छत के ऊपर से किसी के घर से फलांग के टप के पंजाबी से हैं अब वहाँ पहुँचे हो देख रहे हो उसकी वीडियो बना रहे हो तो तुझे किसने इजाजत दी वीडियो बनाने की आयन में तो है इसकी या अल्फाज के ज़रिए ख़ास जबानी हो या तहरीरी या किसी किस्म के नकूश की सूरत में के जरिए अपने मजहब की तबलीग या तशहीर करे उसने अपने मज़हब की ना तशहीर की ना तबलीग की ना उसने अपने यहाँ सीने पर कलमा लिखा एक तरफ तुम कहते हो जी कलमा और दूसरी तरफ कहते हो कि जी वो उसने क्यों लगा लिया यार हो वो मुसलमान हो ये कौन सा बैमान है तेरे पास नापने का माजिद माजिद जवेदल मोहम्मद जवेद वो फैसला बाग के यार अच्छे भले लोग हैं वैसे तो तरह ही हैं सारे लेकिन सोच तो तु यार तुमने क्या किया ये और लानदा तेरी शक्ल पे और लानदा तेरे इस फेल पे जो तुमने किया है तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी और वो पुलिस वाले क्या बेचारे मजबूर होंगे कि जी वो डर है उनका ख़तरा है मौलवियों का खतरा है कि थाने को ना आगे आकर आग लगा दें तो खुदा रहा यार मैं अला हकाम से सुप्रीम कोर्ट से और उन तमाम अदारों से जो ये इख्तियार रखते हैं जो आइन को बदल सकते हैं अब जब आइन को तोड़ा जाता है तो वो उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाता असम्बलियों में बैठ के भी तोड़ते हैं हाथ में स्टिक्के पकड़ के भी तोड़ते हैं उन्हें कुछ नहीं कहा जाता है तो यार शर्म करो कोई लिबर्टी कार्नर में आज के लिए इतना ही प्रवेश रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है और आपसे उम्मीद करता है हाथ जोड़ कि मेरी सवास को पूरी दुनिया ये यार इंसानों को ऐसे मत मरो जो बेचारे इंसान दो इन्हें उन्हें उनके हाल में छोड़ दो कितनी के के खौफ खाओ जिन्होंने अभी तक डी जी ए ट्वेंटी ट्वेंटी को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया वो जरूर करें ताकि ये जो मेरा वीलॉग है हर उस इंसान तक बादशर इंसान तक पहुंचे जो इंसानियत के लिए कुछ सोचता है थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू आल